ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି

जो महा प्रभु गणपति

सबसे मूर्ति सब गणेश दु रसा लगे धीरे सबसे सब डेकोरे सब अर्णामे अलग अलग अर्णामे बसिक बनासु दुअ अढ़ेस बनासुरा द्वारकाधीशे सब सब वर्ष तो अलग अलग बनी बहुत उत्साहित आम अढ़े मस रहा साक्षात द्वारा आसी जाइन आंय ती खुसी हो बनों बस नयात भाबरे देखि पर्थी बे अग्रपूज्य प्रभू गजाननंकु द्वारिकाधीश रूपरे एठारे पूजा अर्चना खरा जाउछी एवं समस्त बे सुसहित अछंती कणक होबे आज्ञा आज केते खुसी लागो छी गणेश पूजा हमहु बहुत खुशी लागो छी काहे कि आमे ए दिन पई सरायलो अपेक्षा करू जेमती हम समय पाख आसेन आमे 2.5 मास पूर्व रु प्लानिंग करू केमती कोन करियो पई आमे সে আমি যেত যা হইপার যে পারি কর্মলপুরে অনেক আসন্ত আসি দেখ আমি এমতি গোটে জায়গা অনেক যেগার অনেক প্রকার আকারে মূর্তিটা তো নিহত ভাবে সম্বলপুর বিভিন্ন স্থানের গণেশ পূজা করা যাচ্ছে এবং বর্তমান আমি রয়েছি নটরাজ ক্লব কিছু প্রতিক্রিয়া নেবা যেহেতু গণেশ চতুর্থী রয়েছে উৎসাহিত सब कोई तो द्वारकाधीश जा नहीं सकते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि जो नहीं जाते हैं उनको ये रूप तो दिखा दे कम से कम कि कम से कम ये तो समझ में आ कि सनातन धर्म में कितना रूप होता है भगवान का ये हमारा उद्देश्य है सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सनातन धर्म में भगवान के बहुत से रूप है उसमें से एक रूप द्वारकाधीश का भी है

प्रभु गजानन दर्शन कर भोग खात देखिए लड्डू धरी काईकना आज गणेश चतुर्थी से समस्त बे उत्साहित अच्छा आज अग्रपू्य गजान बे धूमधाम पूजार्चना कर देखे जहां कमिटी सदस्य मैंने प्रतिक्रिया दौले द्वारिकाधीश जाप श्री गणेश अवतार द्वारिकाधीश को सीधा सख दर्शन करें गैरा पर्व जहां सनातन धर्मरों को जे भगवान गोटी रूप अनेक स्थितियां हैं अजिया में अग्रपुर जो को नटराज क्लब तरफ रु द्वारिकाधीश भेजा रहे देखिए आप आई पहिचो संबलपुरो कैमरा पर्सन रोहित सिंह कसा सुवर्ष बारिक अर्गस न्यूज